वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट में करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर इनसाइड गिवन है, इनसाइड हेयर मींस ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो हम क्या करेंगे डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे इसको। और यदि ये आउटसाइड में है, आउटसाइड हेयर मींस ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, तो हम क्या करेंगे डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड एड इन कैपिटल, कैपिटल जो गिवन होती है बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, उसमें हम क्या करेंगे एड कर देंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनसाइड है तो हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस में दिखाएंगे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और हम क्या करेंगे आउटसाइड है तो आउटसाइड के लिए क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके बाद लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एड इन अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग एंड डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। ड्रॉइंग के अमाउंट में ऐड कर देंगे और कैपिटल में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इनसाइड के लिए क्या करेंगे डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर आउटसाइड दिया हुआ है तो इसके लिए हम क्या करेंगे डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड एड इन अमाउंट ऑफ लोन, लोन की अमाउंट में क्या करेंगे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो देखिए ये एडजस्टमेंट जो हम करेंगे तो बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होता है कि जिन व्यक्तियों को हमने उधार माल बेचा है वो क्या होते हैं डेटर्स होते हैं। अब जो डेटर्स होते हैं उनमें से कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं किन्हीं कारणों से उनसे हमें अमाउंट रिसीव नहीं हो पाता है, तो वो पैसा हम क्या करते हैं बैड डेट्स में डाल देते हैं। बैड डेट्स में डालने के बाद जो बाकी डेटर्स बच गए उन पर भी क्या होता है कि हमें डाउट होता है कि इनमें कुछ जो अमाउंट है वो डूबने की संभावना होती है, तो उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। तो जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए आपको जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में किस प्रकार से गिवन होगा, डेटर्स 14,800, बैड डेट्स
1200, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, डेबिट क्रेडिट, ये आपको दे रखा है 3000। अब देखिए नीचे जो एडजस्टमेंट दी हुई हैं, एडजस्टमेंट में पहला पॉइंट दे रखा है राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स रुपीज 800। दूसरा पॉइंट दे रखा है क्रिएट 4% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अब देखो ये आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ये नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है, तो हम इसको किस प्रकार से शो करेंगे, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे। डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट, तो देखिए यहां लिखेंगे टू बैड डेट्स। बैड डेट्स आपको दिए हुए हैं 1200, ये तो गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो देखिए जो आपकी एडजस्टमेंट है अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो केवल हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाएंगे। अब हमारी दूसरी एडजस्टमेंट क्या है, ट्रायल बैलेंस के बाहर है, आउटसाइड है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। एज एट लाइबिलिटी अमाउंट एसेस्ड अमाउंट, तो देखिए यहां लिखेंगे डेटर्स 14800 दिए हुए हैं, लेस बैड डेट्स 800 रुपए, 14000 बच गए। यहां इसमें ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट्स, तो देखिए जो ट्रायल बैलेंस के अंदर था उसको तो हमने एक जगह दिखाया, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर था उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा दिया और बैलेंस शीट के एसेट्स में डेटर्स में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब हमारी दूसरी एडजस्टमेंट है 4% आपने प्रोविजन बनाना है, तो देखिए हम प्रोविजन को क्या करेंगे, लेस 4% प्रोविजन इसका लेंगे 560 रुपए, तो 13,440 रुपए, ये तो बैलेंस शीट में बच गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ऐड 4% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 560 रुपए, तो ये हो गया 2560 रुपए। आपका जो ये है 2000 रुपए लेके चलेंगे, तो ये 2000 रुपए है, ठीक है, तो 2000 रुपए हम इसमें से माइनस कर देंगे, ओल्ड प्रोविजन कहेंगे इसको, ये आपका न्यू प्रोविजन आ गया, तीनों का जो टोटल है, ओल्ड प्रोविजन 2000 माइनस कर देंगे, तो आपका बैलेंस कितना बच गया 560 रुपए। अब इसी को हम 3000 रुपए लेके चलते हैं, ठीक है, तो देखिए अब इसी के नीचे बना रहा हूं, अगर ये 2000 की बजाय 3000 है तो हम क्या करेंगे, टू बैड डेट्स 1200 प्लस फर्दर बैड डेट्स 800 प्लस 4% प्रोविजन 560, ये न्यू आ गया, लेस ओल्ड प्रोविजन 3000 रुपए दे रखा है, तो यहां माइनस के 440 बच रहे हैं, तो देखिए यहां नहीं दिखाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, ऐसे साइड में ले जाएंगे बाई बैड डेट्स प्रोविजन,
और जो ये माइनस का है ये यहाँ 440 रुपए इधर दिखा देंगे हम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये बैड डेट्स और बैड डेट्स प्रोविजन की जो एडजस्टमेंट है उनको सॉल्व करना है। देखिए ट्रायल बैलेंस डेटर्स 30,400, बैड डेट्स 1,600, बैड डेट्स प्रोविजन 2,200, एडजस्टमेंट नंबर वन राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स रुपीज 400, क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बैड डेट्स दिया हुआ है तो यहां लिखेंगे टू बैड डेट्स, 1600 रुपए बैड डेट्स गिवन है तो ये अंदर दे रखे हैं तो इसको तो एक जगह दिखाएंगे। अब देखिए राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स 400 रुपए, एक बार तो यहां दिखाएंगे, दूसरी बार डेटर्स में से माइनस करेंगे तो आपके डेटर्स दे रखे हैं 30,400 लेस बैड डेट्स 400, ये 30,000 रुपए बच गए आपके, ठीक है। इसके बाद आपने 5% प्रोविजन बनाना है तो यहां करेंगे लेस 5% प्रोविजन, अब प्रोविजन इस अमाउंट का निकालेंगे 1500 तो ये बच गया 28,500, यहां लिखेंगे प्लस 5% प्रोविजन 1500, 3500 आ गया, माइनस ओल्ड प्रोविजन 2200 दिया हुआ है तो देखिए 1300 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा देंगे और बैलेंस शीट के एसेट में। तो इस प्रकार से आपने बैड डेट्स और बैड डेट्स प्रोविजन की एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है।